हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है विज्ञान का। आज हम लोग बात करेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किए गए आकाश के कुछ चित्रों के विषय में, जिससे कोई जानकारी मिली है। तो आप लोग इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप इस तरह के बहुत सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि गैलेक्सी के बहुत सारे इमेज लिया है। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है नासा का एक परियोजना है, जिसके थ्रू ये स्पेस रिसर्च का काम किया जाता है। तो आज हम लोग उसी पर बात करेंगे। तो उसकी जो एक पहली तस्वीर है उसने लिया है, वो बहुत सारे गैलेक्सियों का समूह की तस्वीर उसने ली है, और जिसके कि ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा पूरे गैलेक्सी समूह का क्लस्टरों की एक इमेज है, जिसको कि SMASC0723 नाम दिया गया है। इसकी उसने इमेज ली, जो इमेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये पूरे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी की है। मतलब बहुत सारी आकाशगंगाओं की इमेज है, जो लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब इससे पहले की ये घटना होगी। उसका कारण यह है कि जिस समय ये तस्वीर ली जा रही है उस समय उस गैलेक्सी से आने वाले प्रकाश के किरण को लगभग इतने वर्ष लगे हुए हैं, 4.6 बिलियन वर्ष। तो ये जो तस्वीर आपके पास है ये लगभग 4.6 बिलियन साल पहले की घटना की तस्वीर होगी। उसके बाद जो दूसरी तस्वीर ली है, वो दूसरी तस्वीर है NGC 3324 नाम से। इस तस्वीर उन्होंने एक फार्मिंग स्टार गैलेक्सी के रूप में लिया है, जिसकी ही सबसे पहले खोज 1926 ईस्वी में हुई थी। और 1926 ईस्वी के बाद इसका जो वास्तविक अच्छी जो तस्वीर उन्नत टेलीस्कोप से मिली है वो ये है। इसमें किस तरह है स्टार्स का फॉर्मेशन होते हैं, उस तरह की तस्वीर है। और इसके बाद जो आपके पास तीसरी तस्वीर उसके द्वारा ली गई है, वो है स्टीफन क्विंटेन। ये स्टीफन क्विंटेन 5 गैलेक्सियों का समूह है, इसमें आपको दिख रहे होंगे। ये 5 गैलेक्सी हैं जिनके समूह की तस्वीर है, जिसका नाम दिया गया है HCG 92। इसमें 4 गैलेक्सी लगभग साथ हैं, HCG 7317, HCG 7318A, HCG 7318B एंड HCG 7319। ये 4 गैलेक्सी लगभग लगभग एक साथ हैं, और एक जो 5वीं गैलेक्सी है वो बहुत दूर है। और कुल मिलाकर उन सभी गैलेक्सियों का ये संयुक्त तस्वीर है, जिसकी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने दिया है। इसके बाद जो सबसे लास्ट वाली छपी है, डांसिंग स्टार। ये डांसिंग स्टार है, साउथ रिंग भी इसे कहते हैं।
ये एक ऐसे स्टार की तस्वीर है जो जिसको कहते हैं एट प्रस्ट नेबुला, मतलब जब स्टार समाप्त होने वाला होता है, फिर नए तारों का जन्म होने वाला होता है, उस स्थिति में जो तस्वीर होती है उसकी तस्वीर है। तो ये तो जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा लिए गए कुछ तस्वीर हैं जिसके कि नासा का एक परियोजना थी उसमें ले गए। लेकिन इन सब में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नासा के कुछ साइंटिस्ट मिल करके जो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इससे जो ये तस्वीर बनी है इसकी इन्होंने साउंड में कन्वर्ट किया है, मतलब इन तस्वीरों को साउंड वेव में कन्वर्ट किया जा सकता है और साउंड वेव की सहायता से इन तस्वीरों को बनाया जा सकता है, जो कि अपने आप में एक अनोखा अनोखी खोज है, क्योंकि अभी तक आवाज़ के द्वारा किसी भी तस्वीर को नहीं बनाई जा सकती थी, या साउंड में डिकोड करना किसी भी इमेज को असंभव था। लेकिन नासा के कुछ साइंटिस्ट, कुछ म्यूजिशियन और कुछ ब्लाइंड और विजुअली चैलेंज समुदाय के लोगों ने मिलकर के एक अनोखा रिसर्च किया है। इसकी सहायता से जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा तस्वीर ली गई है उसको उन्होंने म्यूजिक के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कि किस तरह है वो म्यूजिक के थ्रू जो है इन तस्वीरों को एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, ये जो अभी आपके स्क्रीन पर वीडियो चल रही है, ये गैस ज्ञान एक्सप्लोनेट VASP-96B जो गैलेक्सी है उसकी नासा द्वारा ली गई तस्वीर है, उसको म्यूजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है कि जो म्यूजिक आपको सुनाई दे रही है ये इसके इस तस्वीर की पूरी कोडिंग है, कि इस तस्वीर की जो कोडिंग है वो इन म्यूजिक के फॉर्म में दिखाई देगी। आगे वाले हम लोग वीडियो जो आगे वीडियो में देखेंगे कि इसके बेस के म्यूजिक किस तरह हैं, मतलब ये जो आपको पर्वत की तरह दिख रहे हैं ये इसका म्यूजिक कोडिंग किस तरह है, और जो इसके ऊपर स्टार की तरह दिख रहे हैं इसका म्यूजिक कोडिंग किस तरह है, आगे वाले वीडियो का। तो दोस्तों, ये देखते हैं ये जो म्यूजिक बज रही है, ये म्यूजिक आपको इसका बेस का जो फिगर है उस बेस को फिगर को जब म्यूजिक में डिकोड करते हैं तो उसकी म्यूजिक इस तरह होती है, और यहाँ पर आपको एक लाइन चलती हुई दिख रही होगी जो नीले रंग के उस पर कुछ चमकीले बिंदु हैं। तो ये जो जिस एरिया में आपको दिख रही है उस इमेज की जो म्यूजिकल कोडिंग है वो इस तरह की गई है कि ये जो म्यूजिक है वो उस नीले रंग वाले म्यूजिकल कोडिंग को दिखा रहा है। ये देखिए, अब आपके स्क्रीन पर जो ये चल रहा है ये शो कर रहा है कि इस इमेज की जो म्यूजिकल कोडिंग होगी वो इस तरह होगी। साथियों, अभी ये जो इमेज है ये आप देख रहे हैं कि इसके बॉटम की जो इमेज है उसकी जो कोडिंग हो उसकी म्यूजिकल कोडिंग इस तरह है। ये जो लाइनें आपको दिख रही है यहाँ पर कुछ पे अलग अलग कलर, अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट दिख रही है, ये इंटेंसिटी की लाइट ये बता रहे हैं कि उस जगह पर किस तरह की इमेज बननी चाहिए। इसका पूरा एक अलग से अध्ययन है जिसके द्वारा कि उन लोगों ने पियानो के ट्यून्स पर जो है इस तरह की एक म्यूजिक बनाए हैं जिसके थ्रू ये इमेज कंस्ट्रक्ट की जा सकती है या इस इमेज को कोडिंग की जा सकती है। तो आप देख रहे हैं कि पहले हम लोगों ने ऊपर देखा बेस का, फिर ये बॉटम के जो कोडिंग है उसको हम लोग देख रहे हैं, आगे के वीडियो में देखते हैं। अब देखिए, ये जो है इसका कंबाइन दोनों को जोड़ दिया गया है, बेस और बॉटम वाले वीडियो को, तो ये पूरे पूरे इमेज की आपकी कोडिंग दिख रही है।
ये अलग ट्यून्स पर इसकी कोडिंग है। तो अभी आप इस म्यूजिक को सुनिए और इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि किस तरह म्यूजिक को थ्रू आप इमेज को एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये एक अपने आप में एक अनूठा अनुसंधान है जिसके कि जो ये बताता है कि हम किसी भी इमेज को म्यूजिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसी जो म्यूजिक है ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में हम लोगों ने इसकी म्यूजिक जनरेट की थी किया गया था। अभी जो ये इमेज आप देख रहे हैं ये वर्टिकल डायमेंशन में इस टेलीस्कोप वेव्स जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा जो प्राप्त हुई है उसको वर्टिकल बेस में किस तरह है हम लोग म्यूजिकल लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल में बॉटम का कोडिंग की थी ठीक इसी तरह यहाँ पर साइंटिस्टों ने यहाँ पर वर्टिकल फॉर्म में बॉटम की कोडिंग की है जिसकी म्यूजिक की टून इस तरह बन रही है, मतलब इस तरह की म्यूजिक जनरेट हो रही है। और आप इस म्यूजिक को ध्यान से सुनें और इसमें फ़र्क महसूस करें। अब ये वर्टिकल फॉर्म में वर्टिकल डायमेंशन में या ऊर्ध्वाधर दिशा में ये जो फिगर है इसकी कंबाइन बॉटम और बेस की जो मैजिक है वो इस तरह जनरेट हो रही है। तो अभी आपने जो वीडियो देखा ये एक काफ़ी नासा के और उसके साथ संयुक्त रूप से जो और दूसरी एजेंसियां थी उन सभी ने मिल करके इसने अनुसंधान को ईजाद किया है जिसकी सहायता से उन लोगों ने इमेज को म्यूजिक में कन्वर्ट करने के एक तरीका खोजा है। इमेज के थोड़ा या इमेज को हम लोग म्यूजिक में कन्वर्ट करने की दिशा में पढ़ रहे हैं। एक ये अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी या कहिए अनूठा अनुसंधान है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।